बहुत से किसान भाइयों को ये लगता है कि जीरो टिलेज बोनी करने के लिए उन्हें अलग से सीड ड्रिल लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत कम खर्चे में आपके पास में जो बोनी मशीन अभी उपलब्ध है उसे भी जीरो टिलेज मशीन में बदला जा सकता है। आपके पास में जो मशीन होती है उसमें ये कुसिया प्रकार के फरो ओपनर या कूड़ बनाने वाले उपयोग में लाए जाते हैं और उसका देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई करीब 25 से 30 मिलीमीटर होती है और ये जब खेत में चलाते हैं तो बहुत चौड़ा कूड़ बनाती है। लेकिन इसकी जगह पर हम जीरो टिलेज फरो ओपनर लगा सकते हैं। ये जो जीरो टिलेज फरो ओपनर जब आप देखेंगे तो ये हो गया, आपने देखा कि जो कुसिया बहुत चौड़ी थी जबकि यहाँ पर मुश्किल से 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर कहना चाहिए के तरह का फरो ओपनर लगा हुआ है फरो बनाने वाला। इसी में दूसरा इस तरह का भी डिजाइन उपलब्ध है जिसमें इतना पतला फरो ओपनर लगाकर आप अपनी साधारण सीड ड्रिल को भी जीरो टिल बोनी में बदल सकते हैं और इस मामले में यदि आप चाहेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल आपका पूरा सहयोग कर सकता है कि किस तरह से अपनी साधारण सीड ड्रिल को जीरो टिल बुआई मशीन में बदला जाए। तो किसान भाइयों मैं उम्मीद करता हूं कि गेहूं की खेती में उत्पादन लागत कम करने के लिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए आप इस जीरो टिलेज तकनीक का इस्तेमाल जरूर करेंगे और इस बारे में किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक सहयोग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल से संपर्क करेंगे। धन्यवाद।